बड़े बुजुर्ग भी सही कह के गए हैं कि दूध के जलाबी छाछ फूक फूक कर पीता है, और यही रोहित शेट्टी के साथ हो रहा है। रोहित शेट्टी की मूवी आई थी कुछ टाइम पहले सर्कस, और उस मूवी को लेकर बहुत सारे इंटरव्यू होते हैं जिसमें रोहित शेट्टी ने बहुत ज्यादा कुछ बोल दिया था, मगर उसका बजट देखने के बाद तो उनको भी शर्म आ गई होगी। मगर हम बात उस मूवी के बारे में नहीं करेंगे, हम बात करेंगे रोहित शेट्टी की न्यू मूवी सिंघम अगेन। हाँ भाई, सिंघम अगेन का ट्रेलर आ चुका है, और उसका ट्रेलर देखने के बाद मैं आपसे बस एक ही बात कहना चाहूंगा कि रोहित शेट्टी सर आ गया भाई, मतलब आपने जो कर दिया ना मेरा दिल खुश हो गया। वो बात अलग है, आपका जो ट्रेलर था पूरे 5 मिनट का था, मैंने बड़ी मुश्किल से अपने 5 मिनट दिए थे, मगर मुझे पता भी नहीं लगा वो 5 मिनट कब में खत्म हो गए। यकीन मानो भाई, मैं बिल्कुल हैरान था कि इतने सारे कैमियोस थे इस मूवी में। ये मूवी नाम से नहीं चलेगी, कैमियोस से चलेगी। कहानी सब लोगों को पता है, जनता सिर्फ कैमियोस देखने जा रही है। तो सिंघम अगेन की स्टोरी क्या होने वाली है, सब लोगों ने सूर्यवंशी मूवी तो देख रखी होगी, तो सूर्यवंशी मूवी के जो लास्ट में कहानी खत्म हुई थी ना, ये कहानी वहीं से शुरू होगी। जो सूर्यवंशी मूवी का मेन विलन था उमर हफीज, सिंघम भाई साहब उसको पकड़ के ले आते हैं भाई, कश्मीर से दौड़ा दौड़ा के लाते हैं। फिर उसके बाद आती है उनके एक और नजायद औलाद, नजायद समझ गए ना तुम बस, और वो करती है हमले। वो क्या करती है, वो कांड करती है बुरे बुरे, और उसका रोल प्ले कर रहे हैं हमारे, सोचो कौन, नहीं नहीं सोचो, अर्जुन कपूर। मुझे भी नीचे देखना पड़ा मैं भी भूल गया था यार, बता रहा हूँ। देखो इस बंदे ने कोशिश तो पूरी करी है एक रोलेक्स जैसी एंट्री देने की, मगर भाई हर कोई रोलेक्स नहीं होता, तुम्हें नाम पहले बनाना पड़ेगा, अगर विलन बनने हो तो विलन बन के दिखाना पड़ेगा, फालतू में बातें नहीं चलेगी बिल्कुल। मुंह में उस्तरे लगा के, मुंह में फावड़ा लगा के कुछ नहीं होगा, काम करके दिखाओ। काटा पीटी वाले शॉट नॉर्मल हो चुके हैं, साउथ की मूवी देख कर आओ थोड़ी सी, ठीक है। हाँ, मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ अर्जुन कपूर का काम देखने के लिए, मैं चाहता हूँ यार तू बस इस काम को ना अच्छे से निभा ले, मैं तेरा फैन हो जाऊंगा। तो लोग, इस मूवी की कहानी क्या होने वाली है तो तुम्हें मैंने बता दी। अब रही बात कैमियोस की, तो भाई वो कितने होने वाले हैं, देखो बहुत सारे कैमियोस होने वाले हैं। रोहित शेट्टी की अभी से लेकर पुराने तक जितनी फिल्म है ना, सब आने वाले हैं, लिटरली सबको ले लिया भाई, सब आने वाले हैं। और एक बात और, जब मैंने गूगल पर सर्च करा सिंघम अगेन, तो वहां पर मुझे स्टार कास्ट में ना विक्की कौशल भी दिख रहा था। अब विक्की कौशल का क्या काम है, ये कभी सही समझे, ये हमारे उरी वाले भाई साहब को तो लेके नहीं आ रहे ना, मैं बता रहा हूँ मूड खराब हो जाएगा मेरा। और एक रूमर ये भी निकल के आया था कि हमारे सलमान भाई का भी इसमें कैमियो होने वाला है। अब ये दो यूनिवर्स को कैसे मिलाते हैं ये तो हमको जरूर देखना है। तो बाकी चलो बात कर लेते स्टार कास्ट पे, जैसे तुम्हें पता ही है हमारे अजय देवगन है, बाजीराव मस्तानी नहीं कहने वाला था मैं, बाजीराव सिंघम, वीर सूर्यवंशी हमारे अक्षय कुमार, संग्राम भालेराव एज रणवीर कपूर, और इस मूवी की न्यू कास्ट दीपिका पादुकोण एज शक्ति शेट्टी, और इस मूवी के उड़ते सितारे टाइगर श्रॉफ एज एसीपी सत्या, और हाँ दया दरवाजा तो वो भी है भाई हमारे, करीना कपूर भी है साथ में। मगर इस मूवी की एक चीज और है, इस मूवी को इन्होंने ना रामायण से जोड़ के दिखाया है, मतलब जितने भी कोप यूनिवर्स में एक्टर है, अक्षय कुमार, रणवीर कपूर, टाइगर श्रॉफ, इन सबको इन्होंने ना क्या नाम है रामायण में जो कैरेक्टर है उन सबसे तुलना करी है। जैसे बाजीराव सिंघम को दिया है श्री राम जी का दर्जा, ऐसे टाइगर श्रॉफ को दिया है लक्ष्मण जी का दर्जा, अक्षय कुमार एज हमारे जटायु, हनुमान जी एज हमारे रणवीर कपूर सिंह, बाकी रावण का किरदार निभा रहे हैं इसमें अर्जुन कपूर, सही से निभा ले बस भाई तू, मैं यही चाहता हूँ। बाकी करीना कपूर एज माँ सीता, जो भी चाहो कर लो, बस हमें अच्छी मूवी दिखाओ अच्छी स्टोरी के साथ। स्टोरी तो चलो समझ में आई चुकी है, मगर मजा आ जाना चाहिए यार, बस इतना ही चाहता हूँ मैं, जो ट्रेलर में दिख रहा है वैसे करना बिल्कुल। और मुझे जहां तक ये लग रहा है कि ये मूवी 2 या 3 पार्टों में होने वाली है, क्योंकि यार पूरी मूवी को एक पार्ट में खत्म करना थोड़ा सा सही नहीं होगा, या फिर थोड़ा इन्हें काटना पड़ेगा जैसे जस्टिस लीग के साथ हुआ था, 4 घंटे मूवी को 1.5 घंटे की बना दी। तो मेरी ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, ओके टाटा बाय बाय।